नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम RSMSSB LDC 2018 की क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में एक डिटेल में कैलकुलेशन लेके आए हैं। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल था कि टाइपिंग में कितने मार्क्स लेके आए कि हम फाइनली हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमें ज्वाइनिंग मिल जाए, क्या फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने ये पूरा विश्लेषण किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हमने एक तैयार किए हैं वो आपको हम बता दें कि टोटल पोस्ट 12,456 है, जिनके लिए कि ये टोटल प्रोसेस की गई है LDC 2018 की। इसमें जो फेज फर्स्ट में क्वालिफाइड हुए हैं कैंडिडेट्स, उनकी संख्या है 12,456 की 3 गुना, यानी कि 37,218 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। अब दोस्तों, ये जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं 37,200, इनमें से जो 90+ टाइपिंग में स्कोर करेंगे उनकी संख्या 10% होगी। इस पूरी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके जो 10% है वो ही 90+ जो है स्कोर कर पाएंगे टाइपिंग में। ध्यान रहे दोस्तों, हम यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट्स हैं जो कि फेज फर्स्ट में क्वालिफाई हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, ना कि जो सेलेक्ट होंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल जितने फेज फर्स्ट में कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं 37,000, इनमें से 10% लोग ऐसे होंगे जो 90+ स्कोर कर पाएंगे टाइपिंग में। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके रिटर्न में तो मार्क्स अच्छे आ जाते हैं लेकिन टाइपिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है, या वो पहली बार टाइपिंग सीख रहे होते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों जो 80 से 90 मार्क्स ला पाएंगे टाइपिंग में, क्योंकि अभी तक 2 महीने पड़े हैं तो कैंडिडेट्स पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी टाइपिंग अच्छी हो जाए, तो टोटल 20% कैंडिडेट्स हम ऐसा मान के चल रहे हैं, 37,000 में से 20% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 80 से 90 मार्क्स के बीच में लेके आ जाएंगे। तो टोटल कैंडिडेट्स हो गए 20% के हिसाब से 37,000 में से 7,500। इसी तरीके से जो टाइपिंग स्कोर 70 से 80 तक लेके आ जाएंगे और उनकी संख्या होगी 30%, 37,000 में से 30%, यानी कि 10,000 की संख्या हो गई। और इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो 70, आप कह सकते हैं 70 मार्क्स से कम ही जो है वो ला पाएंगे टाइपिंग में, क्योंकि टाइपिंग कई कैंडिडेट्स की नहीं हो पाती है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं टाइपिंग की वजह से ही। तो अगर उनकी बात करें तो वो 50% के लगभग होंगे और ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या होगी 18,500, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही देखा गया था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो डिसक्वालीफाई होंगे, उनको सीट्स भी खाली रह गई थी। इस बार तो सीट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो 50% है ये पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके टाइपिंग में 70 से मार्क्स कम रहेंगे लेकिन उनके रिटर्न में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, 150+, 160+ भी उनके मार्क्स हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके टाइपिंग अच्छी ना हो तो उसके रिटर्न में भी मार्क्स अच्छे नहीं हों। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी टाइपिंग में बहुत कम मार्क्स आते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं और रिटर्न में उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। तो दोस्तों, हमें मालूम है कि जनरल की कट ऑफ रही थी 122, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिनके मार्क्स जो हैं एवरेज 122 है जनरल का, यानी कि जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं वो 122 से अबू है, उसमें सारी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स आते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें ऐसे होंगे जिनके 150-160 अबू होंगे, या बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिसके 122 के आसपास ही होंगे। तो अगर वो टाइपिंग में 90+ मार्क्स लेके आते हैं तो उनकी टोटल जो हो जाती है फाइनल वो हो जाती है 222+90, लगभग 122+90 लगभग 212। लेकिन बहुत सारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स, या आप कह सकते हैं कि ऐसे भी होंगे जो कि
इतने मार्क्स नहीं ला पाएंगे, 80 से 90 के बीच में लेके आए ले पाएंगे। तो अगर 80 मार्क्स लेके आते हैं तो उनकी जो मार्क्स बनेंगे 202 के आसपास। तो इस तरीके से एक पूरा कैलकुलेशन अगर करें तो ज़्यादा संभावना यही है कि जो 90 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं इनमें से लगभग 80% कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनके मार्क्स अगर 122 से के आसपास ही 122 ही हैं तो भी वो पास होंगे ही होंगे। इसी तरीके से जो ओबीसी में हैं, ओबीसी में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एक केवल 115 नहीं उनके 140 150 160 तक भी हैं, तो अगर वो 80 मार्क्स भी ले आएंगे तो भी वो पास हो जाएंगे, और 70 मार्क्स भी अगर लेके आएंगे तो भी वो पास हो सकते हैं। तो एक इस तरीके का हम एक कैलकुलेशन अगर करें परसेंटेज वाइज कि कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स पास हो सकते हैं, क्योंकि अगर बात करें एससी एसटी की तो 22% सीट के हिसाब से लगभग एससी एसटी की 4,500 के आसपास पोस्ट होंगी, एससी एसटी की मिला के 4,500 या इसी के आसपास हो सकती है। तो उन पे जो है एससी एसटी कैंडिडेट्स ही जो है वो क्वालिफाई होंगे, बाकी की जो बची हुई 8,000 के लगभग पोस्ट हैं उस पे ओबीसी की अलग होगी, एमबीसी की अलग होगी और अनरिजर्व कैटेगरी की अलग होगी। दोस्तों यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए उनको 10% रिजर्वेशन इस भर्ती में नहीं लागू होता है। तो दोस्तों हमने जो कैलकुलेशन की तो हमारा ये गणित बैठता है कि जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ रह सकती है वो जनरल कैटेगरी के लिए 200 से लेके 205 रह सकती है। इसी तरीके से ओबीसी के लिए 190 से 195, एमबीसी के लिए 160 से 165 और एससी की 165 से 170। दोस्तों यहाँ पर एससी की एमबीसी से ज़्यादा इसलिए रह रही है कि आपने देखा होगा कि फेज फर्स्ट में एससी की कट ऑफ रही है 92 और एमबीसी की कट ऑफ रही है 86 और एसटी की रही है 77। मतलब ये है कि 80 की कट ऑफ एमबीसी से ज़्यादा रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हैं कि एमबीसी की कट ऑफ थोड़ी बहुत 80 से हाई कम रह सकती है, और 80 के बाद में एसटी की जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम रहने वाली है, 145 से 150 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा एक एनालिसिस जो कि हमने किया है, बाकी देखते हैं क्या फैक्टर्स और इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो लगभग यही कट ऑफ रहने की संभावना है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स की टाइपिंग स्पीड पे निर्भर करता है कि 150 वाला कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता है। कि बहुत सारी स्थिति में ऐसा भी होता है कि आपके रिटर्न में 150 मार्क्स हैं और टाइपिंग में आप हिंदी में एक मार्क्स से रह गए, तो इंग्लिश में आपकी अच्छी टाइपिंग है तो आपने 80 मार्क्स अगर ले के भी आ गए तो 150 और 80 आपके पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो अगर आप टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे वहीं पे। तो 150 वाला जो कैंडिडेट है वो अगर हिंदी में एक मार्क्स से रह जाता है तो उसके 150 मार्क्स जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे जो रिटर्न में अच्छे मार्क्स लेके आए हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइपिंग में बाहर हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि आपकी टाइपिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी कर सको और आप सभी का सिलेक्शन हो। और हमारी जो एक उम्मीद है कि ये कट ऑफ रहने वाली है, ये हम मान के चल रहे हैं कि एक एवरेज कट ऑफ इसको कह सकते हैं, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद।